जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाराणा। मैं आपका भाई विक्की पंडित हरियाणा। मैं आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज मैं आपके बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदला जम्मू कश्मीर धारा 370 खत्म होने के बाद। इस विषय को लेकर आज मैं आपके साथ पूरे विस्तार से इस बात को बताऊंगा। साथियों, मैं अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर से होकर आया हूं और मैंने वहां पर जाकर धरातल पर उतर कर जब मैंने वहां पर पूरी जांच पड़ताल की, वहां के हालात को जाना, तो मैं आपके बीच वो सभी शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगी कि धारा 370 खत्म होने के बाद में कितना कश्मीर में फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस दोनों चीज का मैं आपके बीच बताऊंगा। क्या धारा 370 खत्म होने के बाद में क्या कश्मीर आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हुआ? क्या धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के विकास में गति आई? क्या धारा 370 खत्म होने के बाद वहां के लोगों की सोच में बदलाव हुआ? क्या धारा 370 खत्म होने के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन बंद हुआ? क्या धारा 370 खत्म होने के बाद में हमारे वहां के धार्मिक स्थलों को खोला गया? यह सभी मुद्दे साथियों मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। मैंने कश्मीर की घाटियों में जाकर देखा तो हालात मैं आपको वर्तमान की बता रहा हूँ। जय श्री राम साथियों, मैं आपका भाई विक्की पंडित हरियाणा। प्रिय सनातनी भाइयों, अभी मैं कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर से होकर आया हूँ, अमरनाथ यात्रा पर गया था। साथियों, मैंने जब वहां कश्मीर की घाटियों से हम गुजर रहे थे तब मैंने वहां पर देखा कि धारा 370 जरूर हटी है, पर वहां के जो लोग हैं उन्होंने तिरंगे को आज भी स्वीकार नहीं किया है। आज भी वहां के कश्मीर के लोकल लोगों के घरों के ऊपर व कश्मीर की घाटियों में जो आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है, ईरान इराक वाले, उनके जो ब्लैक झंडे और उर्दू लैंग्वेज जो उनकी लिखा हुआ, क्या लिखा है तो मैं समझ नहीं पाया, वे आज भी उनके घरों के ऊपर झंडे लहरा रहे हैं। कश्मीर घाटियों में बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, उन लोगों के ने आज भी अपने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया है। हाँ, इतना बदलाव जरूर आया है कि जो लाल चौक हमारा, लाल चौक पर पहले जो इनके पाकिस्तान के अन्य वहां के झंडे लहराते थे, आज हमारा वहां पर बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा है और वह सब देखकर हमारा सीना बड़ा गर्व से चौड़ा हुआ और हमें एक अति खुशी भी हुई थी इस चीज को देखकर। साथ ही हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या धारा 370 खत्म होने के बाद में आतंकवाद में कितनी कमी है। साथियों, यह सत्य है कि धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद में काफी हद तक कमी आई है। यह खुद हमने कश्मीर की घाटियों में जाकर देखा, क्यों कमी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, वहां पर हमारी आर्मी, जो हमारी भारतीय सेना है, उसकी संख्या बढ़ाई गई है और उनको एक खुली छूट दी गई है। साथ ही धारा 370 खत्म होने से पहले हमारी आर्मी को पूर्ण रूप से आजादी नहीं थी, हमारी आर्मी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब हमने वहां के जो हमारे सेना के जवान है उनसे भी हमने बात किया, उनसे मिले तो उन्होंने भी बताया है कि 370 हटने के बाद में यहाँ पर अभी पूर्ण रूप से आजादी है। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई आतंकवादी गतिविधि देखती है तो सीधा हमको खुला शूट आउट के ऑर्डर है। तो साथी, यह भी बदलाव जरूर हुआ है। इससे अगली बात है साथी, क्या धारा 370 खत्म होने के बाद में पत्थरबाजी बंद हुई, जो हमारी भारतीय सेना पर आए दिन पत्थरबाजी वहाँ के लोग करते थे? हाँ साथियों, इस बारे में मैंने वहाँ के जो हमारे भारतीय सेना के काफी जवानों से हम मिले, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि 370 खत्म होने के बाद में पूर्ण रूप से पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई, कोई अब पत्थरबाजी का सिलसिला नहीं है। तो साथी, ये भी है कि हमें 370 खत्म होने के बाद में पूरी तरह से हमारी खुशी की बात कि भारतीय सेना का वहां पर, मतलब अगर यहाँ के लोग सम्मान नहीं करते तो पत्थरबाजी भी नहीं करते, इतना तो जरूर हुआ है। इससे अगला पॉइंट है साथी, क्या धारा 370 खत्म होने के बाद में पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर उल्लंघन होता था क्या वह बंद हुआ? साथियों, इस चीज में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हद तक कमी आई है, ना के बराबर है। जो पहले आज से धारा 370 खत्म होने से पहले आए दिन जो सीज फायर उल्लंघन होता था, आए दिन हमारे जवान शहीद होते थे साथियों, अब धारा 370 खत्म होने के बाद में हमारे वहां पर जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया और उसको जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है उसमें, मतलब जो हमारी सेना है उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई, साथ में नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सेना को उपकरण हथियार दिए गए, तो इस चीज के कारण वहां पर इस चीज में काफी कमी आई। क्योंकि अगर सीधा सेना के जवानों बताया कि हमको पूरा आदेश मिला, कोई अगर एक पत्थर फेंके तो उसका जवाब गोला बारूद से देना, तो इस चीज में भी सीज फायर में काफी हद तक सुधार हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर सीज फायर उल्लंघन होता है।
साथियों इससे अगला आता है कि धारा 370 खत्म होने के बाद में वहाँ के लोगों की फिलहाल की सोच क्या है। साथियों फिलहाल की सोच अभी बता रहा हूँ आपको, जब मैं वहाँ टैक्सी से सफर कर रहा था साथियों, और टैक्सी से सफर करते समय जब वहाँ के लोकल लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जब रास्ते में हमारे आर्मी के कैंप आए, जो वहाँ पर हमारी आर्मी है भारतीय सेना उसके जो कैंप लगे हुए, तो कैंप आए तो वहाँ के लोग आपस में मतलब बात कर रहे थे कि इन्होंने हमारे यहाँ पर आके जमीन पे कब्जा कर दिया, हमारी जमीन छीन इन्होंने, इन्होंने अपने कैंप बना लिए। यानी कहने का मतलब कि हमारी भारतीय सेना से वहाँ के लोग मोस्टली लोग नफरत करते हैं, हमारी सेना को सम्मान नहीं देते, और वे तो खुद मतलब अपनी जो जो बात कर रहे थे तो उनकी बातों में ऐसा था कि वे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं, अपने आप को हिंदुस्तान से अलग मानते हैं, हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते, इसीलिए तिरंगों के सम्मान नहीं देते, क्योंकि एक भी घरों पर कोई भी हमें तिरंगा लहरा हुआ नहीं दिखा, सिर्फ लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा था, बाकी के वहाँ पर कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनके घरों पर कोई भी तिरंगा नहीं लहरा रहा था। तो यहाँ से उनकी सोच में पता चलता कि वहाँ के लोगों की सोच आज भी क्या है, पहले क्या है। साथियों इससे अगला मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब हम वहाँ से उसके बाद में वहाँ की जो लोकल बसें हैं, लोकल बसों में जब मैं सफ़र कर रहा था तो ड्राइवर से मैं आगे ही बैठा था सीट पर, ड्राइवर से मेरी बात हुई इस बारे में तो कि भाई 370 के बाद कश्मीर में क्या बदला हुआ, तो वो तो साफ साफ बोल रहा है कि मैं तो नुकसान ही हुआ, हमारे तो GST लगा, ये लगा। मैं बोले 370 का और GST का क्या लेना देना, बोला नहीं नहीं हमें नुकसान, हमारा बिजनेस में नुकसान है, हमारी आज़ादी छीन गई। मैं बोला हमको आज़ादी तो आपको मिली है, पहले तो पाकिस्तान की तरफ से भी हर दिन आपके यहाँ पर सीज फायर उंगलंग होता, गोलीबारी होती थी, आतंकवाद की घटनाएं थी। बोले ऐसा कुछ नहीं था, बोले हम यहाँ पर सब शांति से रहते थे, बोले मोदी ने आने के बाद यहाँ पर शांति भंग कर दी। मतलब उन लोगों की मेंटेलिटी सोच ऐसी है कि वे अपन धारा 370 हटने के बाद में जो कश्मीर में आज़ादी मिली उसको स्वीकार नहीं करना चाहते वे, और वे खुद को अपने हिंदुस्तान से अपना एक अलग हिस्सा मानते हैं, और खुद वे अपने आप को एक हिंदुस्तान से अलग समझते हैं। तो जैसा कि साथियों की सोच जैसे पहली थी ऐसी सोच अब है, धारा 370 जरूर हटी है पर वहाँ के लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह बात जरूर है। साथ ही इससे अगले आता है कि धारा 370 खत्म होने के बाद में व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है, तो साथियों इस यह सत्य है कि 370 खत्म होने के बाद में व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। वहाँ पर अपने भी यहाँ के लोगों ने जाकर वहाँ पर व्यापार लगाए, सेबों के का भी व्यापार कर रहे हैं, और भी काफ़ी ऐसे जैसे बादामों का व्यापार वहाँ पर चल रहा है, अपन ये लोग अभी आपके काफ़ी मिले, तो ये भी काफ़ी सुधार हुआ है। साथ ही उससे अगला पॉइंट आता है कि धारा 370 खत्म होने के बाद में जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको क्या खोल दिएगा। हाँ साथी यह भी सत्य कि धार्मिक स्थलों में भी हमारे वहाँ पर लोगों की जो हमारे हिंदुस्तान से यात्री अमरनाथ यात्रा लगा लो वो दर्शन करने जाते उसमें भी काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपका रिकॉर्ड आया है कि जो पहले पिछले साल 3 लाख कुछ थे तो अब की बार तो 3 गुना ज़्यादा यात्रियों ने वहाँ पर दर्शन किए हैं, और जो कश्मीर की घाटियों में जो दुर्गा माता जी का मंदिर था काफ़ी सालों से बंद था उसके द्वार खोल दिए गए हैं। तो साथ ही यह बदलाव भी जरूर आया है। तो धारा 370 बिल्कुल सबसे बड़ा रोड़ा था हमारे जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर को भारतीय हिस्से से अलग कटा हुआ रखा उसने, और 370 हटने के बाद में साथियों सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जो वहाँ की लोकल पार्टियाँ थी वहाँ के राजनेता थे उनको मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि वहाँ पर उनका शासन था, वहाँ पर शासन था वे अपने हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से चलते थे तो वहाँ पर हिंदुओं पर भी अत्याचार होता था साथियों, और वे हमारी सेनाओं पर पत्थरबाजी करवाते थे, उनके सबके अधिकार छीन लिए गए साथियों, और पूरा अधिकार छीन कर वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हमारी सेना को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई, सेना को सब अधिकार दे दिए गए। अब सेना को खुली छूट है कि अगर कोई पत्थर मारे तो उसको सीधा गोला बारूद से जवाब दो। तो साथियों ये काफ़ी बदलाव हुआ है। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे अगला मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी भाइयों को अभी कमेंट आते हैं कि धारा 370 का पूरा विस्तार से बताओ क्या थे, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा धारा 370 क्या थी, और इससे अगली वीडियो में अमरनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगा, अमरनाथ यात्रा जा क्या था कि अमरनाथ यात्रा किस प्रकार की रही मेरी और कितनी डिफिकल्ट यात्रा थी या बिल्कुल सरल यात्रा थी, तो वो भी आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहे आप अपने भाई विक्की पंडित के साथ। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही वीडियो पसंद आपको आई तो हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों को यह जानकारी जरूर पहुँचाएं, अपने स्टेटस पर लगाए, स्टोरी पर लगाए, इंस्टाग्राम पर डालें। साथ ही आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम।